हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स जो होती हैं वो हर पल चेंज होती रहती हैं, इसलिए करंट फीलिंग्स लोगों को ज़्यादा टॉपिक अच्छा लगता है। और ये जो रीडिंग होती है मैं सबके लिए करती हूँ, चाहे वो शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में हैं, या फिर क्रश के लिए देख रहे हैं, और या फिर कोई ऐसा इंसान जो मन ही मन चाहता है मगर अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपना लव, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के लिए, ये सब के लिए होती है। कोई स्पेसिफिक मैं किसी एक के लिए नहीं बना रही हूँ ये रीडिंग, ठीक है। और कलेक्टिव होती है तो ऑल जॉडिक साइंस के लिए होती है। सारी 12 राशियाँ जो हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं इसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी में पेंटिकल नहीं आया, किसी में वॉन्ड्स नहीं आया, किसी में कप नहीं आया, तो वो एनर्जीज हैं ही नहीं, सारी इंक्लूड होती हैं यहाँ पर एनर्जीज, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखूँगी, जब तक मैं अपने शफल कर रही हूँ, मैंने सारे रिचुअल्स कर लिए हैं जो रीडिंग से पहले करे जाते हैं। मैं जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स डिवाइन जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, नाम लेना है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें, वीडियो को पॉज कर दें। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं हम ये चेक करेंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं एनर्जीज आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। अभी तक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें टॉरस एक्वेरियस है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। एट ऑफ कप्स, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। ओके, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँ, क्लेरिफिकेशंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिन्हें क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। लवर्स आया है और जजमेंट, ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, रेडी नहीं थी मैं। टेम्परेंस क्यों आया है यहाँ पर, टेम्परेंस को क्लेरिफाई करें, टेम्परेंस क्यों आई हैं यहाँ पर, ये गिर गया था, मैंने वापस इसे रखा था, ये अगेन फिर आया है, ठीक है। नाइट, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून को क्लेरिफाई करें, मून क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, सिंगल कार्ड्स निकल रहे हैं, उसी में ही सिर्फ दो कार्ड्स आए, ठीक है। एट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर, एट ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स क्यों आया है, बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स क्यों आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं यहाँ पर
कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पर आपको एनर्जीज बता देती हूँ। वेट, कार्ड्स सही प्रॉपर तरीके से ना लगे ना तो मुझे, मैं कुछ भी नहीं बता सकती, मैं ब्लैंक होती हूँ, एकदम नेल हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जब कार्ड्स प्रॉपर तरीके से लगे होते हैं तो मैं एनर्जीज पिक कर पाती हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। जब मैंने सीखा था तो उन्होंने भी मुझे यही चीज़ बताई थी, जो मेरे गुरु थे उन्होंने भी मुझे यही बोला कि कार्ड्स में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से लगे होने चाहिए, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कौन कौन से कार्ड्स आए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब एनर्जीज़ की मैं आपको बात करके बताती हूँ। यहाँ पर, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, पहली चीज़ इन्हें सबसे बड़ा लॉस लग रहा है आपको खोना, मतलब आपको खो दिया है तो बहुत बड़ा लॉस इन्होंने झेला है। दूसरी चीज़, गिल्ट बहुत ज़्यादा दिख रही है इनके, इनको गिल्ट मुझे यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है कि इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है, और रिग्रेट इस चीज़ का है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया। दूसरी चीज़, इन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर नेक्स्ट, यहाँ पर यह भी चीज़ दिख रही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे अगर मैं अपनी ईगो को कंट्रोल में कर लेता तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं। ये भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस वक्त जो आपने उनसे कुछ बातें बोली, उस वक्त अगर मैं उन चीज़ों को समझ लेता, ठीक है, मैं एक फ़ीमेल हूँ उस हिसाब से बात करूँगी, हर रीडिंग में बोलती हूँ, तो आपके पार्टनर मेल है फीमेल है आप उसके अकॉर्डिंग रिलेट करना। अगर उस टाइम पे मैं उन चीज़ों को समझ लेता और आपकी बात को समझ लेता, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं उस चीज़ को समझ लेता, तो शायद इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होती और आज नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन नहीं होती, टावर नहीं आया होता। क्योंकि मून कार्ड है यहाँ पर, टावर कार्ड नहीं आया, मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो टावर हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ने बाजी ज़रूर मारी है, मतलब आप दोनों की थोड़ी लड़ाई में उसने, किसी ने, जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम वो करा है। अब वो जब कर दिया तो आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में आ गए, दुख इन्हें हुआ, बुरा इन्हें लगा, क्यों? क्योंकि जब तीसरे ने जो बाजी मारी हो और आपने अपने पार्टनर को जाके ये बात बोल दी, तो आपके पार्टनर उस टाइम पे ईगो में आ गए कि इसने मुझे बोला कैसे, ठीक है। अगर उस वक्त ये चीज़ ना सोच के वो ये सोचते कि इसने मुझे बोला है जो, उसमें सच्चाई कितनी है, अगर इसने मेरे को ब्लेम करा है तो मुझे इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि अगर तुम गलत समझ रही हो तो यहाँ पर ये बात का मीनिंग ये निकलता है। मगर आपके पार्टनर ने ऐसा करा नहीं, क्यों नहीं करा? क्योंकि उनका ईगो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ईगो में बहुत रहते हैं आपके पार्टनर, कि बस आपने इन्हें बोल दिया कुछ तो फटाक से कोई एक्शन ले लेना, रिएक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ ये चीज़ दिख रही है, अब उन्होंने रिएक्ट कर दिया तो उन्होंने अपने इमोशंस कोल्ड कर दिए, समझदारी दिखाई नहीं। आपके पार्टनर समझदार पूरे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर दिमाग नहीं है, दुनिया जहाँ का दिमाग है इनके अंदर, मगर सिर्फ आपके रिलेशनशिप, मतलब आपके साथ रहते हुए में इनका दिमाग तेल लेने चला जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन कार्ड बैलेंस के आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस और टू ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं उसे मैं ठीक कर दूं। इन्हें ना एक चीज़ का बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये आपको हर तरीके से मना लेंगे। अभी मैं अपना काम करता रहता हूँ और वो अगर मेरा वेट कर रही है तो करती रहे, मैं जब फ्री होऊंगा ना तो मैं आराम से चीज़ें संभाल लूँगा। मगर ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर मैं आपको बताऊँ, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये चीज़ होती थी पास्ट में, आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आप वेट जैसे पहले कर रहे हो आज भी वही वेटिंग में है, मगर इस वेट में फ़र्क है। पहले की वेटिंग में रोना धोना होता था आपका, मिस करना, चेज करना और गलत गलत थॉट्स लेके आना, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं मुझसे सच में दूर तो नहीं हो जाएगा। अब वो एनर्जीज़ नहीं है आपकी, आपकी एनर्जीज़ में आप ये दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। स्ट्रांग इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि आप
अब इस तरीके के हो चुके हैं कि मैं वेट कर रही हूँ मगर अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को साइड करके नहीं। अगर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरा कोई एम है, मुझे आगे जाना है, इस प्रोफेशन में जाना है, या अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आने, मैं लेके आऊँगी मगर वेट करते करते टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये आपकी एनर्जीज हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस हो चुके हैं पहले से। जो आप पहले डामाडोल रहते थे, आपको समझ नहीं आता था मैं इधर सोचूं या उधर सोचूं, कभी आप अच्छा सोच रहे हो कभी आप बुरा सोच रहे हो, तो वो जो एक डिसबैलेंस चीज़ें थी ना वो अब रही नहीं है। आपके पार्टनर, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जब प्यार में ईगो आ जाता है ना तो रिश्ता ख़राब ही होता है। उसको लगता है मैं झुकूँ ना, आपको लगता है मैं झुकूँ नहीं, मगर आप तो हर बार झुके हो, ये मुझे पक्का पता है। तभी तो आप रीडिंग देखने आते हो कि अब क्या एनर्जीज हैं। आप आज भी क्यूरियस हो मगर मैंने बताया ना, पहले भी थे आज भी थे, मगर इन दो चीज़ों में डिफरेंसेस हैं। पहले आप सिर्फ अपने आप को वीक बनाकर इंतज़ार करते थे, अब आप स्ट्रांग बना के कर रहे हो। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमिटमेंट के साथ आएगा तो वेल एंड गुड, और अगर मेरी उसे जो बुराइयाँ लगती हैं उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर तो बात ही क्या कहनी। अब आप ना उसके लिए, अपने पार्टनर के लिए ना खुद को चेंज करते हुए नहीं दिख रहे, जो कि आपने किया था, ये पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, जो आपने किया था। आप हमेशा इन्हें चेस करते थे, ठीक है, आपके पार्टनर हमेशा अपनी एनर्जीज में रहते थे कि नहीं मैं तो अपनी ईगो में रहूँगा, मुझे झुकना नहीं है, अगर मैं झुक गया तो मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी। भाई आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे, और आपने कभी भी अपने बारे में ध्यान ही नहीं दिया, आप अपने पे फोकस कभी रहे ही नहीं, आप अपने आप पर किसी भी तरीके से आपका ध्यान जाता ही नहीं था। आप कैसे हो, आपके क्या हालात पैदा हो रखे, आप किस तरीके से हो, आपने कभी उस चीज़ पे फोकस नहीं करा, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे लगे रहे। आपने कम से कम 5 साल, 6 साल या महीने बर्बाद करें अपने पार्टनर के ऊपर, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं मगर जो अभी मुझे रिफ्लेक्ट हुआ वो मैंने आपको बताया। आप ये सोचते हो मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि अपना टाइम वेस्ट करा और अपने पार्टनर का वेट किया, आपके अंदर इस चीज़ का गिल्ट है। और आपके पार्टनर को किस चीज़ का गिल्ट है कि मैं हमेशा अपनी अकड़ में रहा, मैंने कभी भी आपको नहीं समझा, आपको नहीं समझा यानी कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा। ये चीज़ इन्हें ऐसा लग रहा है, इनको ना इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि बेटा अपने पीछे 100 लोगों को लेके चलना, अकड़ में रहना, आज तुम किसी को भी अपने नीचे दबा सकते हो, नीचा दिखा सकते हो। तो आपके पार्टनर की मेन प्रॉब्लम अपब्रिंगिंग से है, उनको संस्कार ही ऐसे मिले होंगे तो वो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ दिख रही है। अब आपके पार्टनर स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक्शन के मोड में हैं मगर इनका एक्शन बहुत स्लो है, अभी तो यही दिख रहा है, आगे क्या दिखता है वो देखेंगे। एक्शन बहुत ज़्यादा स्लो दिख रहा है इनका। इन्होंने मन तो बना लिया है कि मैंने अब आना है आपकी तरफ तो आना है, आपको जस्टिस देना है तो देना है। यूनिवर्स इन्हें कहीं ना कहीं ऐसी कॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि इनको किसी ना किसी तरीके से, चाहे इनके मेडिटेशन के थ्रू, इनके मैनिफेस्टेशन के थ्रू, या किसी भी तरीके से इनको आपका मैसेज पहुंचाया जा रहा है आपके पार्टनर तक। आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि मैंने किया तो बहुत गलत है, मैंने अपनी ईगो के चलते बहुत गलत कर दिया, मैं एक बार उसकी बात सुन लेता या उसकी बात को समझ लेता तो आज इतनी बड़ी दूरियां नहीं आई होती। जस्टिस किसे देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, क्योंकि आप ये देखो ये दो फिगर्स हैं, यहाँ पर ये माउंटेन है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ज़रूर है। सेम यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी आई है मून में, आप दोनों के बीच में तीसरा आ रहा है, अपना रास्ता बना के निकल रहा है। अब तीसरे ने अपना रास्ता बना लिया, किस चीज़ का इन्फ्लुएंस करना, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई तीसरा ऐसा है जो आपका फीडबैक बहुत गलत दे रहा है, जो आपके फीडबैक्स हैं वो आपके पार्टनर तक गलत पहुंच रहे हैं। आपके पार्टनर अब उन चीज़ों को सुनकर थक चुके हैं, उन चीज़ों को समझ के थक चुके हैं, इन्हें अब ऐसा लग रहा है मैं ना उसकी सुनूंगा ना मैं इसकी सुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा।
अभी अपनी इंट्यूशन फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मून इंट्यूशन को और इमोशंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको जस्टिस देने की अपनी एनर्जीज़ में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं यहाँ पर ये। आपके पार्टनर ने अगर सपोज़ करो आपको फॉर ग्रांटेड लिया कि ठीक है मैं अपने पहले अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर लूँ, मैं अपने कर्तव्य निभा लूँ और मैं अपनी ड्यूटीज़ वगैरह पूरी कंप्लीट कर लूँ, तब मैं जाऊँगा उसकी तरफ। अगर ये इतनी देर लगाते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी, आप रिजेक्ट करोगे अपने पार्टनर को, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, मगर कुछ के केसेस में बोलूँगी, सबके लिए नहीं बोलूँगी, आप अभी भी अपने पार्टनर में इतना ज़्यादा स्टक हो कि आप अपनी लाइफ में कर तो रहे हो बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हो, मगर चेहरा उदास है, अंदर से खुश क्यों नहीं हो। उदासी तो रखनी ही नहीं है, किसी भी हाल में नहीं रखनी है। आपका पार्टनर आए बहुत अच्छी बात है, मैं भी विश करती हूँ आपका पार्टनर अपनी अंदर कुछ चेंजेस लेके आए। अगर वो आपसे उम्मीद करता है कि आप चेंज हो, तो आपने भी उम्मीद रखी है कि वो भी अपनी कुछ हरकतें चेंज करके आए, तो ज़्यादा बेटर है, तभी ये रिलेशनशिप बैलेंस में चलेगा। अदरवाइज़ फिर रिलेशनशिप फिर से अगेन नो कॉन्टैक्ट में जाएगा या सेपरेशन में जाएगा। मगर आपको खुशी खुशी सारी चीज़ें करनी है, आपने इतना ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है। मून कार्ड है, आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस पास्ट में ठंडे किए, पास्ट की एनर्जी है ये, पास्ट की, ठीक है। पास्ट में इन्होंने अपने इमोशंस ठंडे किए, बहुत स्टबर्न डिसिप्लिन वाले, टर्म्स एंड कंडीशंस, कंट्रोलिंग, ठीक है, आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ये एनर्जीज दिख रही है। मगर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं एनर्जीज में रहा हूँ ना, उसका मुझे क्या मिला, मैं आज अकेला पड़ गया। और जो भी आपके रिगार्डिंग इन्हें बोल रहा है ना, वो इन्हें बहुत गलत बोल रहा है। मगर इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आपके पार्टनर इतने टाइम पीरियड में इन्होंने अपने आप को हील करा है, या फिर आपने इन्हें हीलिंग सेंड करी है। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक प्रपोज़ल लेके आएंगे। आपके पार्टनर या तो फिर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से ये परेशान हो गए, इसलिए आपसे मूव ऑन हुए, क्योंकि 8 नंबर मूव ऑन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सन एंड मून है, दोनों ही सॉरी सन एंड मून नहीं, फुल मून है और हाफ मून है, तो दोनों ही सैड हैं, ठीक है। इमोशंस इन्होंने बिल्कुल अपने हाफ कर दिए, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी फैमिली में स्टक हो गए। इन्हें ऐसा लगा कि मुझे अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब फैमिली में भी इनको इतना ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इतने ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स मिले जा रहे हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे उभरूंगा, बाहर कैसे आऊँगा। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नो डाउट कम्युनिकेशन तो आपके पार्टनर की साइड से आएगा। कुछ लोगों के केसेस में 8 घंटे के अंदर आ सकता है, 2 घंटे के अंदर आ सकता है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा 2 टाइम्स आया है 8 नंबर, तो 8 घंटे हो सकते हैं, और 10 घंटे हो सकते हैं, 9 घंटे हो सकते हैं, 6 घंटे, 12 घंटे और 4 घंटे के अंदर हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मे बी हफ्ते लगा के चल सकते हैं हम, कि 8 हफ्ते, 6 हफ्ते, ठीक है, 12 हफ्तों के अंदर आ सकता है, 10 हफ्ते के अंदर आ सकता है, 2 हफ्तों के अंदर आ सकता है, इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो आपके पार्टनर है ना, वो यही सोच रहे हैं कि जो भी किया मेरी साइड से गलती थी, अगर मैं उस टाइम पे शांत रह जाता, उस टाइम पे चुप रह जाता, तो शायद ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती जितनी हो चुकी हैं, ठीक है। साइंस बता रही हूँ आप लोगों को, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस इंक्लूड हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो वर्गो है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, लियो है, एरीज है, और स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल यही दिखे हैं, बाकी आगे जो रीडिंग में आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक बार ये देखना चाहूँगी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग तो है,
आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कंफर्म हो चुका है। कम्युनिकेशन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका था यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। जो भी इस कनेक्शन में इन्होंने इस कनेक्शन को फेल कर दिया एक तरीके से, और आपकी तरफ कोई अप्रोच नहीं रखी, इतने टाइम से ये नो कॉन्टैक्ट में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशंस में क्या हैं। मैंने कहा ना, ये बहुत ईगोस्टिक टाइप के बंदे रहे होंगे, मगर अब कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशंस आपको लेकर आ रहे हैं। इनकी ट्रू इंटेंशंस में यही है कि ये इमोशंस में है द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले होंगे। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी और आपके बीच में जो भी सेपरेशन आया, ये एक कार्मिक साइकिल थी जिसका आना बहुत ज़रूरी था, और ये आया तो बहुत से लेसन सिखा के गया आपको और आपके पार्टनर को, ठीक है। ब्लू शेड बहुत आ रहा है, यानी कि इमोशंस इनके अभी हाल फिलहाल के लिए आपके लिए प्योर हैं। कुछ नेगेटिव या कुछ इस तरीके की एनर्जीज नहीं दिख रही हैं जो माइंड गेम से रिलेटेड हो, या फिर आपको सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करने आना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। द फूल, मैंने कहा ना, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, इस कनेक्शन में रिस्क लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये उससे कट ऑफ होकर किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं। देख लेते हैं आगे कि ये किससे ले रहे होंगे गाइडेंस, अपने किसी नियर वन, क्लोज फ्रेंड, या फिर कोई हीलर हो सकता है इस तरीके से। सॉरी, ये किसी हीलर से ही ले रहे हैं गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पर एम्परर है, या फिर इनका कोई सीनियर हो सकता है हीलर। मैं ये कह, हीलर मेरी नज़र में हर प्योर सोल होती है, हर इंसान के अंदर एक हीलर होता है। डिपेंड करता है कि आप उस अपनी क्वालिटी को कितना बाहर लेके आते हैं, या फिर ये अपने किसी सीनियर से जो इनसे बड़ा हो सकता है उससे ये गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है। यहाँ ये भी चीज़ दिख रही है, एस्ट्रोलॉजर भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर चांसेस हैं। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ईगोस्टिक बहुत है ये, ठीक है, इनके अंदर ईगो बहुत है, वो चीज़ यहाँ पर दिखी। मगर यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आपकी तरफ एक प्रपोज़ल लेते हुए आते हुए दिख रहे हैं ये। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, हाफ मून है, ये खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है। इनकी इंटेंशंस, इनकी खुद की दिली आवाज़ यही है कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बगैर। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, अब आप जनरली तौर पे क्या होता है, जो हमारे ये ट्रेडिशनल टैरो होते हैं, इसमें किंग के हाथ में दो कप होते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर आपके पार्टनर के हाथ में सिर्फ एक कप है, ठीक है, और ये आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पर ब्लू शेड बहुत है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशंस में ही हैं, इमोशनली ही चीज़ें सोच रहे हैं। पहले जो ये माइंड से सोचते थे, तो वो माइंड वाली चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। स्ट्रेंथ इनके अंदर अभी तक अगर कुछ भी आपको फेस करना, या इस रिलेशनशिप को फेस करना, अगर इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, तो अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। वो आपकी तरफ एक मूव लेते हुए बढ़ेंगे, आपसे अपनी दिल की बात कह देंगे। यहाँ पर अगेन आप देखो सन, ठीक है, एक इनके अंदर स्पार्क आ रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इनके अंदर वही एक इमोशंस फिर से डेवलप हो रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आपके आपको देखकर या आपके साथ रहकर इनके अंदर वो एनर्जीज आई थी, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत मैच्योरिटी के साथ, अब जो भी चीज़, जो भी एक्शन लेंगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ लेंगे। यहाँ पर अगेन सन है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा ना आपको, सन है। तो आपके पार्टनर जो हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस कनेक्शन में ब्राइटनेस, वो एक स्पार्क, वो एक शाइन लेके आना चाहते हैं दोबारा से। और देख लेते हैं कि ट्रू इंटेंशंस में क्या है। लो बस, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने अभी आपको बोला ना, आपके पार्टनर, अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, वो आएंगे पूरे उससे कि आप इन्हें कर ही नहीं सकते, आप इनको मना ही नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आप रिजेक्ट करोगे। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये किंग है, ये सामने की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, मगर ये जो क्वीन है, ये उधर देख रही है। क्यों? वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तभी मैंने ये बात बोली थी, आप इंटरेस्टेड अब नहीं दिख रहे हो मुझे इतने, जितना आपके पार्टनर दिख रहे हैं आप में।
ये आप में आज भी इंटरेस्टेड हैं उतने ही, चाहे आपको फिर चेक कैसे भी प्रिटेंड करके दिखाते हो, मगर ये इंटरेस्टेड हैं आप में। और क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने में ही इंटरेस्टेड हो, मतलब यानी कि आप खुद की कंपनी को इंजॉय कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ ये चीज़ देख रही है, और आपके पार्टनर ये जान रहे हैं कि आप अब खुद पे फोकस्ड हो, अब आप इनकी किसी भी घटिया हरकत या इनके पीछे रोना धोना, इनके आगे भीख मांगना, वो चीज़ आप अब नहीं करोगे, वो चीज़ आपकी छूट चुकी है, ठीक है। और इनकी ट्रू इंटेंशंस में क्या है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, मैंने आपको कहा ना जो क्वीन है वो नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, मैं रिजेक्ट करूँगी, बस एक बार आ जाए फिर मैं इसके मुंह पे इसे मना करूँगी। ये मैंने बोला है, ये ज़रूर किसी ने मन में बोला होगा या फिर ऐसे बोला होगा, बिल्कुल सही कहा मैडम, कि अगर अबकी बार वो आएगा ना मैं उसको सामने से मना करूँगी, अबकी बार आएगा ना मैं उसको सीधा कह दूँगी कि अब मैं अपने में फोकस रहूँ या मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये किसी की एनर्जी मेरे में आई है तो मैंने इस तरीके से बात करी है यहाँ पर। वेट, बहुत ज़्यादा कार्ड से और नीचे गिरे थे, अगर एक होता तो मैं उठा लेती। और देखते हैं कि ट्रू इंटेंशंस में क्या है। प्रिंसेस ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना आप बहुत ज़्यादा अब अपनी एनर्जीज में आ चुके हो, क्योंकि शायद ये मैंने अपनी पिछली रीडिंग में भी बोला था कि आप अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से हटके, शायद ये मैंने जो कल शॉर्ट वीडियो रील बनाई थी इंस्टाग्राम में उसमें मैंने ये बोला था कि आप अपनी एनर्जी से हटके आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ चुके हो। अब आपको ना ऐसा नहीं लगता, अगर आपके साथ कोई नहीं भी है तो आपको, आप अपनी अकेली की ज़िंदगी ही इंजॉय बहुत कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपको स्टॉक करते हैं। और स्टॉक करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके बगैर खुश कैसे हैं, आप इनके बगैर ग्रो कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। मैंने कहा ना आप ग्रो कैसे कर रहे हो, वही कार्ड आ गया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आने वाले टाइम में विद इन वन मंथ के अंदर आप अचीव कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। द हेरोफेंट, आप पहले से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों ने स्पिरिचुअल पाथ अपना लिया है। मेरा कहने का मतलब ये, मे बी कोई टैरो रीडर बन सकता है, टैरो कार्ड रीडर बना हो, हीलर बना हो, कास्टर बना हो, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, या फिर किसी तरीके की हीलिंग करते हो, कैंडल हीलिंग, पेंडुलम हीलिंग, ठीक है। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो या बन चुके हो, वो चीज़ आपके पार्टनर को पता लग रही है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आप पहले की तरह नेगेटिव नहीं हो, पहले की तरह रोने धोने वाले नज़र नहीं आ रहे हो। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस तो ये है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर आप लोगों की अगर एनर्जीज में करूँ तो आप बुलाना चाहते हैं। देखो दो तीन बात निकल रही है, पहली चीज़ आप चाहते तो हैं कि मेरा पार्टनर वापस आ जाए, चेंज होके आए, पहले की वाली एनर्जीज ना लेके आए कि मुझे फिर हर्ट करे और फिर चला जाए, या फिर सुधर के आए, या फिर मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, कमिटमेंट देगा तो ठीक है, और कुछ ही ऐसे सोच के बैठे आ जाए फिर मैं इसको ऐसे ही रिजेक्ट करूँगी जैसे इसने मुझे रिजेक्ट किया था। कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। साइंस बता दे रही हूँ यहाँ पर, द वर्ल्ड में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द फूल एरीज और लियो, एम्परर एरीज है, किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, स्ट्रेंथ लियो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज और लियो यहाँ पर आ रहा है, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स और यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स लियो है यहाँ पर, और टॉरस है, एक्वेरियस है, हेरोफेंट एक्वेरियस, ठीक है, और सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ये थी उनकी ट्रू इंटेंशंस जो मैंने आपको बताई हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हैं आपको लेकर, ये हम चेक करेंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हैं आपको लेकर। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हैं आपको लेकर,
स्टार लाइट यानी कि स्टार कार्ड, सन लाइट यानी कि सन। इनका एक्शन तो यही है, ये पूरे होपफुल हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं जाऊंगा, अब सब चीज़ें ठीक करके आऊंगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। और द फॉरेस्ट लॉर्ड, ओके वेट, यानी कि एम्प्रर, सिक्स ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। आप देखो ये कैसे ये दुखी होके बैठा है और सर पे हाथ रख के बैठा है कि हे भगवान क्या हो गया ये, ठीक है। तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही मैंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं, जिस वजह से मैं अब उन चीज़ों को ठीक कर नहीं पा रहा हूँ, सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मैं ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। और आपको जो स्टॉक कर रहे हैं ना, उसका मेन रीज़न ये है, ये आपकी एनर्जीज़ को लेना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं आप किस एनर्जीज़ में हैं। आपके अंदर वही पैशन, वही इमोशंस आज भी है, ठीक है। ये रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन चीज़ों को भी याद करते हैं जो आप दोनों ने एक साथ पल बिताए होंगे। मे बी शायद आप लोगों ने रात का समय एक साथ बिताया हो, या रात के समय आप किसी ऐसी जगह गए हों जहाँ पर स्काई हो, चांद सितारे हों, या चांद सितारों वाली बातें कुछ आपके पार्टनर को पसंद होंगी या आपको पसंद होंगी। यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है, ये देखो एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा वहाँ बैठा है, दोनों ही आसमान को देख रहे हैं। आप भी रात के टाइम पे या तो फिर आसमान देखते होंगे और सोचते होंगे कि यही आसमान, यही तारा और यही जो मून है मेरे पार्टनर को भी दिखता होगा। मैं नहीं देख पाती, मगर ये जो मून है और ये जो स्टार है वो मेरे पार्टनर को देख लेता होगा। आपको ऐसा भी लगता होगा कि वो कितना लकी है, ये चांद कितना लकी है, ये कि सितारे कितने लकी हैं जो मेरे पार्टनर को देख लेते हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। सेम आपके पार्टनर भी ऐसी एनर्जीज़ में हैं, वो भी जब अकेले होते हैं, शांत दिमाग में होते हैं, तो आसमान को देख कर आपको याद ज़रूर करते हैं। ये चैनल मैसेज था, ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। आपके पार्टनर जो अभी तक स्टबन और बहुत अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे एम्प्रर की एनर्जी में, तो उस एनर्जी से हटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि मेरे ईगो से सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब ये इस कनेक्शन में एक स्पार्क लेके आना चाहते हैं इनके सामने। अब ये भी मैं चैनल मैसेज है, एकदम अचानक से आया है। मे बी जो आपके बारे में जो इन्हें फीडबैक दे रहा था ना आपका, ये उसकी एनर्जीज़ को भी जान रहे हैं कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ गलत बातें बता रहा था, उसने कुछ अच्छी सही बातें नहीं बताई। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो क्रिएट करी हैं वो थर्ड पार्टी ने करी हैं, और थर्ड पार्टी का कुछ तो ट्रुथ इनके आगे आया ज़रूर है, ठीक है। नाइन ऑफ बोन्स यानी कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, कन्फर्म है, यूनियन चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। एक मैसेंजर है, ये लेडी है, इस मैसेंजर यानी कि ये जो बटरफ्लाई है, ठीक है, इसको एक तरीके से कुछ दे रही है, यानी कि जैसे कहते हैं ना एक संदेशा दिया, ये तुम्हें वहाँ जाके पहुँचाना है, तो वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों को बटरफ्लाई दिखती होंगी, किसी के घर में आसपास में अगर गार्डन है या कुछ है, किसी को स्नेल दिखा होगा, वो होता है ना एक शेल की तरह होता है, उसके आगे दो ऐसे एंटीने टाइप के होते हैं और वो इस तरीके से होता है, शेल की तरह होता है, स्नेल कहते हैं आई थिंक उसको, उस तरीके का अगर आपको कोई इंसेक्ट दिखती है या कुछ, तो इसका मतलब है यूनियन बहुत करीब है आप लोगों के। कुछ लोगों के घर में पर्पल कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट हो सकता है, ठीक है, या ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। मे बी किसी ने अपने घर में मशरूम की गार्डनिंग कर रखी हो, ये जो हिल स्टेशंस पे रहते होंगे, मे बी शायद उनका होगा, या फिर उन्होंने मशरूम का किसी तरीके का कोई प्लांट देखा होगा, ये हो सकता है। वेट, ओके, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या फिर किसी के घर में रेड कलर की लिली का प्लांट हो सकता है। ये सब चैनल मैसेज हैं। द हर्मेट, जो हर्मेट आया है, हर्मेट को मैं एक बार क्लेरिफाई करूँगी कि ये हर्मेट क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि हर्मेट में नो कांटेक्ट, कोल्ड इमोशंस, इनके नेक्स्ट सेक्शन में ये चीज़ तो मुझे दिख नहीं रही है। अचानक से हर्मेट क्यों आया है, हर्मेट की एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है।
यहाँ पर है वीवर ऑफ चैलेंजेस, इससे ये पता चलता है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर एक कितना वाइट कार्ड है, आप खुद देखो कितना वाइट है, और वाइट कार्ड किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्योरिटी को, ठीक है, ऑनेस्टी को। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो अब इस कनेक्शन में प्योरिटी लेके आना चाहते हैं, कोई भी डार्कनेस नहीं लेके आना चाहते, कोई छल कपट नहीं रखना चाहते हैं, कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर वो आपके सेपरेशन के बाद अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे तो इतने गट्स रख रहे हैं आपके पार्टनर कि वो चीज़ भी आपको बोल सकें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, साइंस बता दे रही हूँ, लियो है, स्टार में एक्वेरियस है, और वाटर साइन तो नहीं दिखा मुझे अभी यहाँ पर, एरीज है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है यहाँ पर, और टॉरस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, ठीक है। इनके नेक्स्ट सेक्शन में यही दिख रहा है कि ये प्योरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने होप, ये होपलेस नहीं है, होपफुल है पूरे आपको लेकर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके, यहाँ से मैं एंजल मैसेजेस देख लेती हूँ। एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, एंजल के मैसेजेस हम देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, लीप ऑफ फेथ और नाइन ऑफ रेफल, मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, ठीक है, यानी कि आपको विश मांगनी है और जो भी आप विश मांगे उसमें इतनी प्योरिटी, इतनी ऑनेस्टी रखें कि वो आपका सपना, जो आपकी विश है वो पूरी हो जाए, ठीक है। लीप ऑफ फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ, जो कि बहुत से लोग कर चुके हैं, ये एनर्जीज में भी आ चुका है कार्ड्स में कि आप लोग अपने पे फोकस्ड हैं, ठीक है। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, और डू वॉट गिव्स यू जॉय, वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो करो जिसमें आपको सुकून मिलता है, ये आपको बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी, यहाँ पर भी डॉग है, यहाँ पर भी डॉग है, अब ये कौन सी ब्रीड है मुझे नहीं पता, इस टाइप का कोई डॉग किसी ने पेट पाल रखा होगा, या किसी के घर में वाइट डॉग हो सकता है, या फिर ब्लैक डॉग हो सकता है, या फिर गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है, ये वाला डॉग किसी के घर में है ऐसा मुझे लगा। और सिक्स ऑफ रेफेल यानी कि सिक्स ऑफ कप्स, आप देख लो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लवर और सोलमेट का कार्ड दोनों आए थे, यानी कि टू ऑफ कप्स का, न्यू फ्रेंड्स और न्यू रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रंस एंड चाइल्डहुड, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर चेंज होके नहीं आया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, अट्रैक्ट करें न्यू लव को, आपकी ज़िंदगी में न्यू लव ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने अंदर इतने चेंजेस, इतने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए कि वही चेंज होके आ रहे हैं एक न्यू लव की तरह, दोनों चीज़ हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ ये चीज़ बोली गई है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ से लव मैसेजेस देख लेती हूँ, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। हिंदी में बता दूंगी, इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूंगी तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, समझने ना समझने वाली बात पे ये होता है, कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं रेदर देन इंग्लिश, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसलिए हिंदी में समझने में अच्छा लगता है अपने आप में, क्योंकि एक बार किसी ने कमेंट में लिखा कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है तो प्लीज़ इंग्लिश में ना बोलें, तो मैं उनको ये बोलूं आपके अंदर जो कमी है पहली चीज़ उसको आप ठीक करने की कोशिश करें,
मगर आप कभी भी अपनी कमी को इस तरीके से ना बोलें कि आपके अंदर कमी है, कि मुझे ये नहीं आता, आपको आता सब कुछ है, ठीक है? आप इस तरीके से बोलें, क्योंकि अगर आप ही अपनी बुराई करोगे तो दूसरे से भी आप यही उम्मीद रखें कि वो आपको बुरा ही बोलेगा। इसलिए अपने लिए हमेशा अच्छा बोलें, ठीक है? साइलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर पैराडाइज, मतलब मैं अब बता दूंगी आपको कि क्या मतलब है। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं, नेगेटिव बिहेवियर मेरा रहा, ईगो मेरा रहा। ये देखो, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी चीज़ों के वजह से हम दोनों के बीच में दरार आ गई। आप ये देखो ना, एक एक लाइन क्रिएट हो गई है, एक सामने दीवार की तरह खड़े हो गए, एक दीवार के पीछे आप, एक दीवार के पीछे वो हैं, इतनी दूरी, इतना गैप आ चुका है। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है। तो आपके पार्टनर तो यही बोल रहे हैं हमें, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है। ब्लेम्स अभी भी कर रहे हैं, यानी कि आप ये चीज़ नोट करें। कोई चीज़ें हैं जो हम दोनों के बीच में छिपी हुई हैं, उस चीज़ को ओपन अप करना है, रियलिटी को फेस करना है। जो सेपरेशन के बीच में तुमने महसूस करा या तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो प्लीज़ मुझे बताना। मैं भी अगर मैं किसी तरीके से अट्रैक्ट हुआ या मैं थर्ड पार्टी के साथ कैसे रहा, मैं भी बताऊंगा। ये भी बोला जा रहा है, रियलिटी इज़ डेट आई एम नेवर ओवर यू। हकीकत, मैंने कहा था ना आपको कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बस ईगो आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये कह रहे हैं, रियलिटी तो यही है कि तुमसे ऊपर तो मैं किसी को रख नहीं सकता। पोजेसिव, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है आपको लेकर, तभी तो स्टॉक कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि आप पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, अट्रैक्ट हो चुके हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो डाउट तो कहीं ना कहीं यही क्रिएट होता है ना कि कोई ज़रूर इसकी ज़िंदगी में आया होगा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आया होगा। प्रॉमिस कमिटमेंट, कुछ के पार्टनर प्रॉमिस जो तोड़ के गए थे वो प्रॉमिस निभाएंगे, कमिटमेंट भी दे सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, यानी कि जो अभी साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है या आप एक दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, तो वो ख़त्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ लव मैसेजेस, ठीक है। ये मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इनके मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। टू कार्ड्स आए हैं, आई ट्राई टू हिंदी में बोलना है। मैं दिन रात तुम्हें याद करके गाने सुनता हूँ, वो गाने सुनता हूँ जो कभी तुमने मुझे भेजे थे, और अपनी फीलिंग्स तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या तुम उस चीज़ को सुन पाती हो, ठीक है। इट बहुत डिफ़िकल्ट है ये डिसीज़न लेना कि मैं किसी एक चीज़ को चुनूं। मे बी शायद फैमिली हो सकती है कि फैमिली को चूज़ करें या आपको, मगर मैं दोनों को ही चूज़ करना चाहता हूँ, आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और वेट, अचानक से लाइट चली गई फिर आ गई, चलो एनीवेज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं बहुत जेलस फील करता हूँ जब तुम मुझे खुश नज़र आती हो। मे बी शायद आप अपने कोई स्टेटस या कोई डीपीज कुछ इस तरीके से फ़ोटो पोस्ट करते होंगे, जो वो ऐसा सोचते होंगे, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये सोच के मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख में चला जाता है। ओके, ये कुछ भी करें तो कुछ नहीं है, ये आपको खुश देखें तो प्यार हमेशा दूसरे की खुशी देखता है, नफ़रत नहीं करता। आई एम अ सेवन्थ हेवन व्हेन यू आर नियर मी, मतलब मैं सातवें आसमान पे होता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है। मैं एक स्ट्रेंथ करेज मतलब लेके आ रहा हूँ अपने अंदर, ताकि मैं तुम्हें फेस कर सकूँ, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। हर किसी को पता होता है कि हमने कितना गलत करा है, कितना सही करा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें उस तरीके से रिस्पांस मिला है मुझे, जब मैं कभी नई नई यूट्यूब पे आई थी, मेरा न्यू चैनल था,
तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इससे क्या होता है ना, मोटिवेट होती हूँ मैं, और मुझे मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँ, कुछ नया टॉपिक लेके आऊँ, कुछ नई आपको गाइडेंस दे सकूँ। और किसी ने कहा था कि चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसका वीडियो बहुत जल्दी आपको उस चीज़ का वीडियो भी मिल जाएगा, वो मैं आपको बता दूँगी। आप उस टाइम पे एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना और उन चीज़ों को लिख लेना, उसे करना कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।